लेकिन हमारी क्या बताए, जब जब छठ पूजा आता है, कोई भी त्योहार फंक्शन आता है, तब तक क्या बताए, दादी जी खास करके छठ पूजा में, खास करके दादी जी को बहुत ही मिस करते हैं, क्योंकि दादी जी घर में वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। तो आप सभी को धनंजय कुमार प्रियांशु ब्लॉग चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय छठी मैया। क्योंकि आज गाइस छठ पूजा का दूसरा दिन है, आज जो है खरना है, तो आज खरना का पूजा है, तो वो सब तो रात में ही होगा, तो घर पे तो कोई करने वाला है नहीं, क्योंकि बुआ करती है, बुआ कहीं यहाँ होता है, तो बुआ कहीं देखेंगे, होगा तो कल चलेंगे। लेकिन हमारी क्या बताए, जब जब छठ पूजा आता है, कोई भी त्योहार फंक्शन आता है, तब तक क्या बताए, दादी जी खास करके छठ पूजा में, खास करके दादी जी को बहुत ही मिस करते हैं, क्योंकि दादी जी घर में करती थी छठ पूजा। ऑलमोस्ट लगभग दादी जी को गए हुए लगभग 5 साल तो कम्प्लीट हो गए हैं, तो बहुत ही मिस कर रहे दादी जी को। क्या बताए, जब जब छठ पूजा आता था, बहुत उत्साह उमंग रहता था घर में कि छठ पूजा आ गया है। लेकिन कभी छठ पूजा का उमंग रहेगा, क्योंकि बगल में सभी लोग करते हैं, तो हम भी जाते हैं अर्घ देने के लिए। चलेंगे, देखते हैं बुआ के यहाँ जाएंगे या नानी घर जाएंगे या यहीं पर रहेंगे, वो आप लोग को ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। अभी तो डिसाइड नहीं हुआ कहाँ जाना है नहीं जाना है, वो तो आप लोग के ब्लॉग में चलेगा। तो चलिए चलते हैं थोड़े से पोखर पे, क्योंकि वहां पे देखते हैं क्या तैयारी हो रही है। चलेंगे कुंदो के साथ, कुंदो भी आ गया है धनबाद से, चलते हैं मिलाते हैं आप लोग को, आराम से मिलते हैं। ठीक है, अभी तक ब्लॉग भी पब्लिक नहीं हुआ है, बल्कि पब्लिक का एडिट भी नहीं हुआ है, तो अभी तो ऑलमोस्ट लगभग 2-3 बज चुके हैं, 3 बजने में है टाइम, तो ऑलमोस्ट लगभग मेरे पास 2.5 घंटा है। लगभग 60% तो ब्लॉग एडिट है, बस थोड़ा सा क्या बताया उसको मेकअप वेकअप करना है, मेकअप वेकअप तेज कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, आप लोग को व्यू चेक कराते हैं, आपको सिनेमेटिक म्यूजिक के साथ आप लोग व्यू चेक कीजिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक ही बात पोखर के पास। ओके, मिलाते हैं आप लोगों से कुंदो से। ओके ना, सो हे गाइस, गुड इवनिंग। फाइनली क्या बताया, इवनिंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग ब्लॉग स्टार्ट किए थे, लगभग मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून में स्टार्ट किए थे, तो गए थे घाट पे यानी पोखर के पास गए थे देखने अपने, वहां से देख के आए, सोचे व्यूज लेंगे, लेकिन व्यूज भी नहीं लिए क्योंकि अभी देखने में अच्छा ही नहीं लग रहा था। लेकिन रात के समय में अच्छा लग गया, क्योंकि लाइटिंग से पूरा सजाया गया, तो लाइटिंग से पूरा अच्छा लग रहा होगा। चलते हैं व्यूज लेते हैं, अगर वहां से आए थे आराम से, क्या बताया सो गए थे, क्योंकि नींद इतना अच्छी आ रही थी। अब ब्लॉग भी जो है पब्लिक हो गया, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा, अभी तक अगर नहीं देखे होंगे आई बटन में लिंक है, आप लोग जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इवनिंग का टाइम है, तो सो के आराम से मस्ती के साथ उठ चुके हैं, फ्रेश व्रेश भी हो गए हैं, चलते हैं मार्केट। मार्केट में क्या बताया, आज जो है पूरी तरह से क्राउड होगा, क्योंकि छठ पूजा की शॉपिंग इतनी जबरदस्त होती है सब लोगों के लिए, क्या बताया बहुत ज्यादा ही क्राउड है। तो शोरगुल आराम से आ रही है, आप लोग बैकग्राउंड में आवाज आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, लेकिन चलते हैं आप लोग को मार्केट का क्राउड चेक कराते हैं कितना ज्यादा ही है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, आप अपने मार्केट में देख ही लीजिए कितना क्राउड रहता है। ठीक है, छठ पूजा के समय में चलते हैं, पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती है एक किसी को भी, तब भी लोग एक तरह का मेला ही लग जाता है। ठीक ना, चलिए चलते हैं मिलाते हैं आप लोग उससे मार्केट के व्यूज से। ओके चलिए। गुड मॉर्निंग, फाइनली सो के उठ चुके हैं, तो रात को ब्लॉग क्या बताया, खाना पीना खा के आराम से मस्ती के साथ सो गए थे, तो इसलिए ब्लॉग को एंड भी नहीं किए थे, तो आराम से थोड़ा सा ब्लॉग को खींचते हैं, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही छोटा है, तो कल तो करना था आराम से, क्या बताया प्रसाद उसाद ग्रहण तो किए, लेकिन क्या बताए घर में अगर होता है ना छठ पूजा तो अलग ही वाइब होती है, लेकिन घर में हो नहीं रहा है, तो ऐसा वाइब्स नहीं आ रहा है, क्योंकि छठ पूजा जैसा लग ही नहीं रहा है घर में। लेकिन बाहर जब निकलो मार्केट वर्केट तब जो है छठ पूजा का जो होता है वाइब, जो खुशी होती है वो लगती है, लेकिन घर में नहीं होने से क्या बताए बहुत ही सैड सैड लगता है। पता नहीं घर में होता तो कितना मस्त रहता है, सच में बताओ तो दादी जी को बहुत ही मिस कर रहे हैं घर में, दादी जी करते थे छठ पूजा, तो क्या बताए दादी जी की बात ही अलग रहती थी। ठीक है, छठ पूजा जब जब दादी जी करते तो मजा आ जाता था। तो चलिए आराम से आप लोग जो है सॉन्ग सुनिए, हम भी शारदा सिन्हा जी की, आप लोग बता ही रहे हैं शारदा सिन्हा जी की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो हमारे दिल में रहेंगे, जब तक जब जब छठ पूजा आएंगे तब तक उनके गीत ही पूरे बिहार में मशहूर है छठ पूजा के लिए,
तो चलिए आराम से सरदार सिन्हा जी के सॉन्ग सुन रहे हैं। आप लोग बैकग्राउंड में आवाज आ ही रहा कि हम दूसरे रूम में, लेकिन वो गाना बज रहा है दूसरे रूम में, तो आप लोग आराम से सुनिए। अभी तक तो फ्रेश भी नहीं हुए, चलते हैं फ्रेश व्रेश होते हैं, मिलते हैं आप लोगों से फ्रेश व्रेश होने के बाद। ठीक है, मस्ती ब्रेक ब्लॉग के साथ बने रहिए आप लोग। ओके, सो हे गाइस, फाइनली फ्रेश व्रेश हो गए, तो मस्ती के साथ आराम से, क्या बताया, अच्छे से फ्रेश व्रेश हो गए। लेकिन क्या बताया, जस्ट हमको पता चला है, लेकिन घर में क्या बताया, पूजा भले ही नहीं होता है, लेकिन अगल बगल से जितने भी दादी लोग आंटी लोग पूजा उजा करती है छठ पूजा, वो सारे घर से प्रसाद आया है। तभी आप लोग को चेक कराएंगे फ्रिज, तो क्या बताया, लगभग तीन चार घर से भी ज्यादा का ही प्रसाद आया हुआ है। तो अभी मैं एक साथ आराम से वो आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देख लीजिएगा। चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा हैप्पी हो गए हैं। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग फिर बोर हो जाओगे। तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर जय छठी मैया जरूर लिखिएगा आप लोग। ठीक है, जितने भी ब्लॉग देखिएगा, कृपया करके आप लोग से यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय और गुड मॉर्निंग आप सभी को। ओके okay.